नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई अभ्यास के प्रश्नोत्तर अर्थात इस वीडियो में आपको चैप्टर 5 के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। यहाँ पर हमें पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करना अर्थात अंतर बताना है। तो उत्तर पादप कोशिका जंतु कोशिका, पहला अंतर या तुलना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला अंतर या तुलना, पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं। रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है जो कोशिकाओं के प्रसार तथा कठोरता के लिए आवश्यक होता है। अगला अंतर है तीसरा या तुलना, पादप के कोशिका द्रव में लवक पाया जाता है यानी प्लास्टिड पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ये लवक का जो कार्य है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला अंतर है पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। सेंट्रोसोम का जो कार्य है वो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। अगला अंतर है पांचवा या तुलना, पादप कोशिका में मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। यानी पादप कोशिका में मंड के रूप में जो भोज्य पदार्थ रहता है वो संचित रहता है जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। और अगला अंतर है छठवां, कोशिका विभाजन के समय कोशिका के मध्य एक पट्टी बनती है जो अंदर से बाहर की ओर होती है। कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, एक कोशिका के मध्य एक पट्टी बनती है जो अंदर से बाहर की ओर होती है और जंतु कोशिका में कोशिका एक लीक द्वारा दो भागों में बढ़ती है जो बाहर से अंदर की ओर होती है। एक लीक यानी लकीर, थोड़ी गहरी लकीर बनती है जो दो भागों में बढ़ती है जो बाहर से अंदर की ओर होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 2, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं, अर्थात हमें अंतर ही बताना है इस प्रश्न में भी। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका, पहला अंतर या भिन्नता, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पतली होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगला अंतर या भिन्नता, इनमें अविकसित केंद्रक होता है, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। तीसरा अंतर, इनमें केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, इनमें केंद्रक कला उपस्थित होता है। चौथा अंतर या भिन्नता, इनमें माइटोकांड्रिया, गोल्जी का लवक, लाइसोसोम इत्यादि अनुपस्थित होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकांड्रिया, गोल्जी का लवक, लाइसोसोम इत्यादि अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकांड्रिया, गोल्जी का लवक, लाइसोसोम इत्यादि उपस्थित होता है। पांचवा अंतर या भिन्नता, इनके गुणसूत्रों में केवल डीएनए से बनी एक लचीली संरचना होती है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है और इनके गुणसूत्रों में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बनी मजबूत संरचना होती है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से बनी मजबूत संरचना होती है। छठवां अंतर, इनमें सूत्री विभाजन नहीं होता, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूत्री विभाजन नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सूत्री विभाजन होता है। सातवां अंतर, एक कोशिकाएं नीले हरे शैवाल, विषाणु, जीवाणु इत्यादि में पाई जाती हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका नीले हरे शैवाल,
विषाणु जीवाणु इत्यादि में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका है जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाई जाती हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? तो देखिए उत्तर, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो लाइसोसोम भी फट जाएंगे और लाइसोसोम में स्थित शक्तिशाली पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देंगे, जिससे कोशिका का अवशिष्ट पदार्थ बाहर फैल जाएंगे और जैव रासायनिक क्रिया बाधित हो जाएगी। यानी यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो लाइसोसोम भी फट जाएंगे और लाइसोसोम में स्थित शक्तिशाली पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देंगे, जिससे कोशिका का अपशिष्ट पदार्थ बाहर फैल जाएंगे और जैव रासायनिक क्रिया बाधित हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिकी पदार्थ ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड्स एवं स्टेरॉल्स का श्रावण तथा संचयन नहीं होगा। दूसरा देखिए, गाल्जी उपकरण के बिना कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण नहीं होगा। तीसरा, गाल्जी उपकरण के बिना अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होगा, यानी गाल्जी उपकरण के बिना अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसका उत्सर्जन नहीं होगा। अगला प्रश्न है 5, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? तो देखिए उत्तर, माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि इसके भीतर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एकत्र कर ली जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका के विभिन्न क्रियाओं के संपन्न कराने में होता है। यानी माइटोकांड्रिया क्या है? कोशिका का बिजली घर है क्योंकि इसके भीतर जो होता है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्र कर ली जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कोशिकाओं को संपन्न कराने में खर्च होता है। अब अगला प्रश्न 6 है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए उत्तर, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का संश्लेषण होता है तथा खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर लगे राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रश्न 7, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्तर, अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में अमीबा के कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में आसानी होती है, क्योंकि जब भोज्य पदार्थ कोशिका झिल्ली के संपर्क में आता है तो लचीलेपन के कारण उसे घेर कर गुहा बना लेती है, जो भोजन घर का कार्य करता है और जहां पाचन क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी अमीबा इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में अमीबा के कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण बाह्य वातावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में आसानी होती है, क्योंकि जब भोज्य पदार्थ कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं तो लचीलेपन के कारण वो उसे घेर लेते हैं, जिसे एक कैविटी गुहा बना लेते हैं, जो भोजन घर का कार्य करता है और जहां पाचन संबंधी सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब अगला प्रश्न है, परासरण क्या है? तो देखिए, परासरण के बारे में,
प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के जल अथवा विलायक के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी ऐसा छन्नक जिसमें से जल अथवा जल के समान ही अणु इस पार से उस पार जा सकते हैं। पृथक दो विभिन्न सांद्रता वाले अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के जल अथवा विलायक के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। विसरण माने जाना, जल अथवा विलायक के अणु जो होते हैं कम सांद्रता, जिसकी सांद्रता कम होती है उधर से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। अब अगला प्रश्न नवा देखिए। प्रश्न नौ, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के चार टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। प्रश्न में आलू के चार कप बनाना है जिसमें से एक कप हमें उबले हुए आलू में बनाना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, कप ए को खाली रखो, आलू का जो कप ए है उसको खाली रखना है। कप बी में एक चम्मच चीनी डालो, कप सी में एक चम्मच नमक डालो, उबले आलू से बनाए कप डी में एक चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को दो घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। ए, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ए तथा डी, आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। अब ध्यानपूर्वक उत्तर देखें। प्रश्न 9 के पहले भाग का आंसर, बी तथा सी के खाली भाग में जल इसलिए एकत्र हो जाता है क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप अर्ध वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के दोनों ओर विभिन्न सांद्रता वाले विलयन होते हैं, अतः परासरण से बाहर से जल कप में एकत्रित हो जाता है। देखिए बी और सी कच्चे आलू से बना कप है, बी में चीनी, सी में नमक है और ये कप पानी के बर्तन में रखे हुए हैं। इस कारण क्योंकि कच्चे आलू से बने हैं जो कि एक वर्णात्मक पारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है, इस कारण उसमें पानी एकत्र हो जाता है। अब देखे दूसरे भाग का आंसर, ए, आलू का कप इस प्रयोग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परासरण तभी संभव है जबकि अर्ध पारगम झिल्ली की दोनों ओर विभिन्न सांद्रता वाले विलयन हो। यहाँ पर ए, आलू से जो कप बना है वो खाली है, इस कारण इसमें पानी एकत्रित नहीं होगा और ये प्रयोग के दृष्टि से महत्वपूर्ण मानक स्थिति को दर्शाता है कि पारगम झिल्ली के दोनों तरफ अलग अलग सांद्रता वाले विलयन होना चाहिए, तभी परासरण की क्रिया संभव होगी। अब तीसरा आंसर देखिए इस प्रश्न का, आलू के कप ए में जल इस कारण नहीं एकत्र हुआ क्योंकि दोनों तरफ समान सांद्रता के विलयन है जबकि कप डी उबले आलू से बना है जो अर्ध पारगम झिल्ली की तरह कार्य नहीं करेगा, अतः यहां परासरण की प्रक्रिया नहीं होगी। डी उबले आलू से बना है तो जो इसकी कोशिकाएं हैं एक प्रकार से मर चुकी हैं तो अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य नहीं करेंगी, इस कारण इसमें पानी एकत्र नहीं होगा। प्रश्न 10, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताएं। उत्तर, सभी जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है अर्थात सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
जीवधारियों में वृद्धि, विकास, जनन, मरम्मत इत्यादि के लिए कोशिकाओं का बनना एक जैविक प्रक्रिया होती है। यानी जीवधारियों में वृद्धि, विकास, जनन, मरम्मत इत्यादि के लिए कोशिकाओं का बनना एक जैविक प्रक्रिया होती है। कोशिकाओं का निर्माण मूल कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह मूल कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। कोशिकाओं का विभाजन तीन प्रकार से होता है, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। तो कायिक जनन एवं मरम्मत हेतु सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, जिसमें केंद्रक युक्त कोशिका दो नई जनन कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिससे जीव में वृद्धि एवं मरम्मत की आवश्यकता की पूर्ति होती। यानी कायिक जनन एवं मरम्मत हेतु सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, जिसमें केंद्रक युक्त कोशिका दो नई संतत या जनन कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिससे जीव में वृद्धि एवं मरम्मत की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रश्न 11 जो कि चैप्टर 5 का अंतिम प्रश्न है, युग्मकों को बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताएं। उत्तर, युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी युग्मकों को बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसमें मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जो जीवधारी हैं गुणसूत्रों की संख्या निश्चित करता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन होता है। इस विभाजन के द्वारा जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों या गुणों में परिवर्तन हो जाता है। नमस्कार।